जालौन पुलिस ने एक कार बुकिंग कर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामला जनपद जालौन के उराई कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवी सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 9 सितंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें लुटेरों ने झांसी से एक कार को बुक कर रास्ते में ड्राइवर को जबरन नशे की गोली खिलाकर बंधक बना लिया और जालौन के उराई कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर ड्राइवर को एक पेड़ से बंधक बनाकर उसकी कार को लूट कर फरार हो गए थे। इस घटना का अनावरण करने के लिए स्वाट, सर्विलांस और उरई कोतवाली पुलिस की टीमें लगाई गई थी, जिनमें पुलिस ने लोकेशन को ट्रैक कर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या प्रकरण है? ये थाना कोतवाली एसओजी और सर्विलांस की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है जो गाड़ी बुक करा के लाता है और ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर सड़क पर कहीं फेंक देता है और गाड़ी को लूट के गाड़ी को आगे सस्ते दामों में किसी कबाड़ी को इत्यादि को बेच देता है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शकील, नमो नारायण और मोहन। इनके ऊपर कानपुर देहात, कानपुर नगर के और भी आपराधिक मामले इन लोगों के ऊपर दर्ज हैं। गाड़ी जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो लूट हुई थी 9 तारीख को, लगभग 50-55 साल के आदमी थे इकबाल नाम के, जिनके साथ में घटना हुई थी। वो गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो हथियारों का इन्होंने प्रयोग किया था उसे डराने धमकाने के लिए, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। चेकिंग में पुलिस लगी थी, उरई पुलिस, उसी दौरान गाड़ी आती हुई दिखाई दी, ऐसे रुकने का इशारा किया, इन लोगों ने जो है भागने की कोशिश करी। पुलिस की मुठभेड़ इसमें हुई है अगनारी में और 3 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग गिरफ्तार हुए। सर टोटल कितने लोग थे इसमें इन्वॉल्व? इसमें टोटल 4 लोग घटना में थे, एक अभी इसमें वांछित है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और जो उरई क्षेत्र में रहने वाला एक आदमी है जो इन्हें पनाह देता था, उसके ऊपर भी मुकदमा 216 IPC के तहत दर्ज कर दिया गया है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई, वो भी जेल भेजा गया। सर कार चोरी की कार को कहाँ ले जाते थे और क्या करते थे? अभी जो इसमें एक और वांछित है अभियुक्त, तो वो उसकी जानकारी वही दे पाएगा कि ये लोग गाड़ी चोरी की कहाँ भेजते थे। लेकिन इतना पुलिस को इतना आइडिया लगा है कि कानपुर में, कानपुर नगर में लोग कहीं पे किसी कबाड़ी को चोरी की गाड़ी भेजते हैं। सर ये घटना को किस प्रकार से अंजाम दे रहे थे? देखिए इनमें से एक आदमी टैक्सी स्टैंड पर जाता था और टैक्सी मालिक से बात करता था कि हमें कहीं पर जाना है, कुछ भी बहाना बनाता था। तो टैक्सी मालिक से रेट तय होने के बाद में वो गाड़ी को 2 लोगों को रास्ते में से बैठा लेता था कि मेरे साथ में 2 सवारियां और हैं, और रास्ते में उस ड्राइवर को ओवर पावर कर लेते थे। लोग कहीं भी सुनसान जगह देख के गाड़ी रुकवा लेते थे और कुछ भी करने का बहाना करके, और फिर उसे ओवर पावर करके उस पर कब्जा करके उस आदमी पे और उसे नशे की गोली उसके मुँह में ज़बरदस्ती डाल दी गई थी, उन्हें मेडिकल स्टोर से लिया था। और फिर जब वो बेहोश हो जाता था आदमी, तब उसे फेंक देते थे, कहीं बांध देते थे पेड़ से, जैसे इस वाली घटना में उरई थाना क्षेत्र में ये लोग इसे पेड़ से बांध के चले गए थे। सर अभियुक्तों का अपराध, हाँ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कानपुर नगर, कानपुर देहात में मुकदमे दर्ज हैं। सर सब पूरा गैंग आ गया, कुछ लोग अभी नॉमिनेट हैं आने के लिए, उसमें एक आदमी अभी बचा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी शेष। ड्राइवर लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन